डॉक्टर के यहाँ भी हो सकता है कि ले जाएंगे, दिखा देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जमीन पे वो भी पड़ी हुई है। क्या हालत की है अभी अपना? हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अभी मैं मुझे जाना है स्कूल में, और उसके बाद से मम्मी का थोड़ा हालत ख़राब हो चुका है। गांव गई थी, उनका तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, और मम्मी को मेरी मौसी बुलाई भी हैं। तो देखते हैं मम्मी जा रही हैं कि नहीं, पर जैसा तबीयत होगा वैसा होगा। और क्या हुआ था उनको कि थोड़ा हरासमेंट हो गया था पूरा घर और को सफाई करते करते वहाँ गांव में। और उसके बाद से वहाँ पे जो हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर भी मम्मी गई थी प्लॉट पे, और फिर वहाँ लाइट भी नहीं था, तो इस वजह से ज़्यादा ही है, मतलब उनको गर्मी के वजह से हो रहा है कि पता नहीं कुछ और रीज़न है। तो उसको अब देखते हैं, चेक कराने पर पता चलेगा। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि अभी हमारे घर में क्या क्या बन रहा है, और अब हम निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को आगे। और आज सोमवार भी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज, शंकर भगवान को जल भी चढ़ाना है। तो चलिए गाइज़ लेके चलते हैं आप लोगों को, और मम्मी से बात कराते हैं। हे गाइज, गुड इवनिंग। तो रात को 10 बज रहा है, और हम 1 घंटा पहले गाँव से आए हैं, और गांव पे कुछ काम चल रहा है, इसके वजह से जाना आना पड़ रहा है। तो अब लग रहा है कि अभी हम जाएंगे नहीं, चूँकि बहुत सारा काम है हमको। और क्या है कि कल जाना है महेंद्रनाथ मंदिर, और आप लोग भी कल मंडे है, पूजा कीजिए, भोलेनाथ से प्रे कीजिए कि आप लोग भी सब लोग स्वस्थ रहें, हम लोग भी रहें, और खूब सारा प्यार दीजिए आप लोग। और हो सकता है कि कल महेंद्रनाथ बाबा का वहाँ का भी शूट करके आप लोग को दिखाएंगे लोग, कि वहाँ से हम फिर जाएंगे अपने बहन के घर, तो वहाँ का भी वीडियो में आएगा। और ये फैमिली ब्लॉग्स है, इसलिए आप लोग को ये सब कुछ दिखाने को मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि जितना कवर कर ले, और पूरा फैमिली से जुड़े सब बात हो। और मेरी बहन लोग हैं वहाँ, 2 आएंगी, और एक तो सिक्किम रहती हैं बहन, और हम रहेंगे, तो 4 बहन में 3 बहन रहेंगे, 1 जन नहीं रहेंगे। तो चलिए कल मिलाते हैं और बात करेंगे कुछ उन लोग से, तो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। उनके यहाँ कुछ पूजा पाठ है, इसके वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग भी कल भोलेनाथ से प्रे कीजिए। और अब खाना पीना हो गया है, तो सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले आप लोग के लिए। 2 दिन से नहीं थे, तो ब्लॉग कम गया है, 1-1 ब्लॉग गया है। और हम रहते तो ज़रूर जाता, बोलते रहते हैं प्रिंस को कि बाबू डाल दो ब्लॉग, और कुछ कुछ शूट करवा देते हैं साथ में मिल के, तो हो जाता है। और मेरा रेसिपी डाले हैं हम दूसरे चैनल पर, तो आप लोग भी जाके देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और आप लोग बने रहिए, और कल देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी के आने के बाद से सिमी का चलवा शुरू हो गया। अरे अरे देख सकते हैं आप लोग, जमीन पे मम्मी पड़ी हुई है। क्या हालत की है मम्मी अपना? ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? गाइस, ये ऐसे रहती नहीं है, और जब होता है तबीयत ज़्यादा खराब तभी ऐसे होता है। इस तरह रात पड़े रही है, कोई बोलेगा कि सीआईडी वाला घुस गया है। निकाल कर रख देना, आने के लिए सुबह से मन नहीं कर रहा।
पूरा अंदर से वीकनेस महसूस हो रहा है, हाथ पैर सब। रुकिए वो आपको वो लेके आते हैं जूस। जब तक शरीर अस्थि नहीं होता है तब तक नहाएंगे भी नहीं, इसलिए बीपी हाई रहता है। दूसरे न बाथरूम में कोई बात हो जाए। तो गाइस आज हमारे घर में बन रहा है आलू और परवल का सब्जी, और यहाँ पे रोटी, और यहाँ साग रखा हुआ है। साग भी बनेगा क्योंकि साग से हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और यहाँ पे आंटी जी हैं, यही बनाई हैं सब, सारा खाना अकेले बनाती हैं, वो भी आधा एक घंटा में बना देती हैं फटाफट। और उसके बाद से यहाँ रोटी बन जाएगा, फिर चाय भी बन गया है। अब चाय भी मम्मी पी लेंगी थोड़ा। तो बताइए आप लोग के घर में आज क्या बना हुआ है। हमारे घर में फिर से आलू और परवल। और गाइस यहाँ पे थोड़ा बारिश भी हो गया है। आ जाइए मैडम, परेशान है। बीपी तो ज्यादा बता रही थी, ठीक है दिखती हां ज्यादा बता रहा है, ज्यादा ठीक है बता रही थी। ज्यादा से ज्यादा 130 रहना चाहिए। क्यों, कितना बता रहा है? 155। सत्तर 80 रहना चाहिए। बढ़ जला तो अभी भी होगा, भूल जला घट जला तो अभी चल नहीं तो अपने मन बता देगा नीचे का। ये लोग इतना अच्छा नहीं है, मतलब 12-14 सौ का होगा, जानती नहीं है कि वो सब डीसी से मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन मंगा लीजिए, कैसा का पड़ेगा? हाँ ये तो बताइए दे, हम तो रहेंगे तो तेरे दिखते नहीं है। आप कहाँ जाइएगा? चार पाँच आ जाता है खत्म। नीचे वाला, नीचे वाला 71 है, उसके फिर डालते हैं जैसे कभी गलती हो जाती है। चाय बनना।
ना चाय पी के आई हूँ, आज एक क्लाइंट आ रहा है तो जा रही हूँ, बोली कि पहले आपको बीपीए चेक कर ले बता के लौट जाए। डॉक्टर मोरे ये पूरा पांदेरा है एकदम भारी हो जा रहा है। हाँ नमक रात में जरूर खाइएगा। अच्छा थोड़ा हल्का सा चीनी नमक उपवास नहीं है ना दीदी। कैसा लग रहा है तबीयत में? तबीयत ठीक है नहीं, अभी आया है बीपी चेक करने वाले, चेक किया तो बीपी लो है और हमको कल से फिट जैसा आ रहा था तो किसी तरह संभाल के रखे थे, आज नहीं उठा जा रहा था हमसे तो इसके वजह से बीपी बुला के नपवाए हैं। और नीचे मेरे यहाँ है एक, उन्हीं को बुलाए हैं, डॉक्टर हैं तो आके नापी हैं तो बीपी कम है। और हमको कल से आभास हो गया था कि हमारा तबीयत खराब होने वाला है, पैर भी ठंडा हो रहा था, सब पैर ठंडा हो गया था, दोनों पैर अभी भी ठंडा है और पेट में लग रहा है कि कुछ ये हुआ है, किसी का कोई चीज़ हम ले लिया है उस तरह का हो रहा है, मन घबरा रहा है और ऐसे करने पर भी पूरा एकदम हमको थकान लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो पता ना क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी जाना था मंदिर, साड़ी किसी तरह हिम्मत बांध के निकाले हैं कि थोड़ा जाए पूजा को आए लेकिन नहीं जा पाए। हम नहा के नाइटी पहन लिए, घर पे पूजा किए हैं, इसी तरह कर लिए हैं थोड़ा सा, अब भगवान देख रहा है तबीयत खराब है तो आप लोग बने रहिए, ब्लॉग जाएगा तो बनाएंगे। मैडम का तबीयत कल ही से ख़राब है और हम लोग गांव गए थे, गांव में और उसके बाद से पसीना वगैरह ज़्यादा हुआ, कल ही रात को हम चले आए यहाँ और आने के बाद से देखे हैं कि पैर कुछ ठंडा हो गया है, मन घबरा रहा था इनका, आज बीपी चेक करवाए हैं, बीपी लो है, हम जा रहे हैं स्पंज वगैरह लाने के लिए और हमको लगता है कि वो परेशानी थोड़ा बढ़ गया आने जाने से भी और इलेक्ट्रिक के नहीं रहने से और दिक्कत है, घर में भी कोई है नहीं, यहाँ भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, आदमी जन से कुछ होता नहीं है जो करने वाला है वो, तो फिर भी ठीक है अभी देख रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ भी हो सकता है कि ले जाएंगे दिखा देते हैं। ठीक है तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम स्कूल से आ गए हैं तो मम्मी का थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो गया है गर्मी की वजह से भी और कुछ दिमागी टेंशन से भी। और वहाँ पर जैसे गाँव में काम भी हो रहा है तो गांव में जो काम है वो हम ही लोगों को देखना पड़ता है, तो हम अभी यहीं पे थे और पापा मम्मी गए हुए थे गांव क्योंकि गाड़ी का थोड़ा कंडीशन भी सही नहीं लग रहा है। तो यहां पे मम्मी अभी जैसे ही ठीक हो जाएंगी उसके बाद से आप लोगों से जल्दी से आप लोग प्रे कीजिए फटाफट जैसे थी वैसे हो जाए एक्टिव और आप लोगों के लिए खूब सारा वीडियो आएगा। और आप लोगों को ये भी बात बता देते हैं कि गाइज एक ये जाने और ना जाने का जो सिलसिला है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द आएगा।